कम टाइम और कम इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए कमाना, ढेर सारा पैसा कमाना हम सबका सपना होता है, लेकिन कैसे? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अक्सर चलता रहता है। तो एक ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहा और मेरे चैनल खुद के बॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, जो आज का बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि इस बिजनेस को करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो है मशरूम बिज़नेस का। मशरूम आपने देखी भी होगी और इवन टेस्ट भी की होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे फ्रेंड्स कि मशरूम के बिज़नेस से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, लाखों रुपए आप इस बिज़नेस को कर कमा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात फ्रेंड्स मशरूम बिज़नेस की ये है कि आपको इसकी मार्केटिंग के लिए ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसकी मार्केट जो है पता कर सकते हैं और इजीली आप वहां पर इसे बेच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताती हूं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक खाली कमरे की। अगर आपके घर में कोई खाली कमरा है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं मशरूम लगाने के लिए, और यदि आपका कोई पुराना मकान है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों नहीं हैं, आपके घर के आसपास आपकी खाली जगह है, तो आप वहाँ पर भी इसके लिए एक शेड तैयार कर सकते हैं और उस शेड में जो है आप मशरूम को लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। है, आपने इसका शेड तैयार कर लिया है, अब आप इस शेड में जो है रैक्स तैयार कर सकते हैं। वो रैक्स लोहे की भी हो सकती हैं और वो बैम्बूज यानी कि बांस की लकड़ी की भी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप बैम्बूज की रैक्स को ही बनवाएं। फ्रेंड्स, ये रैक्स का क्या यूज़ है ये मैं आपको बता दूं कि मशरूम के जो बैग्स होते हैं ये रैक्स उन्हें रखने के लिए काम आती है। और आपने अगर रैक्स नहीं बनाई हैं तो आप सीधे ज़मीन पर भी रख सकते हैं मशरूम को, लेकिन उससे क्या होगा कि आप जो है कम मशरूम लगा पाएंगे एक रूम में। लेकिन अगर आप इसकी रैक्स तैयार कर लेते हैं तो आप जो है एक ही रूम में ज़्यादा मशरूम को कल्टीवेट कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है इसकी कंपोस्ट। सो फ्रेंड्स, इसकी कंपोस्ट को आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे खुद भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने आप तैयार करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और अगर आप इसे मार्केट से परचेज करते हैं तो इसके एक बैग का प्राइस होगा 85 to 90 rupees। फ्रेंड्स, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। और अगर आप इसकी कंपोस्ट को खुद तैयार करते हैं अपने आप, तो इसकी जो है एक बैग की कीमत आपको पड़ जाएगी 45 to 50 rupees। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसकी कंपोस्ट को खुद तैयार करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसकी जो है आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले लीजिए, जहाँ पर मशरूम की कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है, सोलन डिस्ट्रिक्ट को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आकर भी आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप मशरूम के बिजनेस को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और इवन मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आकर सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबा घाट में DMR डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर आकर
दूसरी दूसरी स्टेट से, दूर दूर के स्टेट से लोग आकर यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाते हैं और मशरूम का बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इवन फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मशरूम लगाकर तो आप ढेर सारा पैसा कमा ही सकते हैं, लेकिन आप इसकी कंपोस्ट को बेचकर भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये आपके लिए डबल प्रॉफिट की बात है। आप एक तरफ इसकी मशरूम से पैसा कमाएंगे और दूसरी तरफ आप इसकी कंपोस्ट को बेचकर भी पैसा कमाएंगे। यहाँ पर हमारे आसपास कई लोग ऐसे भी हैं जो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, वो मशरूम भी बेचते हैं और उसकी कंपोस्ट को भी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि सच में लोग इससे जो है ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आप इसकी मार्केटिंग कहाँ कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग जो है बहुत ही ईजी है क्योंकि आप कहीं पे भी सब्जी मंडी में जाकर आप मशरूम को बेच सकते हैं और आपको इसका बहुत ही अच्छा प्राइस मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मशरूम से जो है आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो इसके एक बैग से जो है आपको मिनिमम 2 kg मशरूम मिल जाएगी। 2 kg मशरूम की क्रॉप आप एक बैग से ले सकते हैं और मार्केट में जो मशरूम का प्राइस रहता है वो मिनिमम 150 to 200 रुपीज़ पर kg होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर मिनिमम हम इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ भी लेकर चलें तो आपको जो है एक बैग से यानी कि 2 kg मशरूम मिलेगी और 2 kg मशरूम को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 200 रुपीज़ की मशरूम जो है आपको एक बैग से मिल जाएगी। और अगर आपने एक रूम में 1000 बैग मशरूम के लगाए हुए हैं तो आपको उससे 2000 किलो मशरूम मिल जाएगी और 2000 किलो मशरूम को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, मिनिमम कॉस्ट लेकर हम चल रहे हैं फ्रेंड्स, 100 रुपीज़ से आप मल्टीप्लाई करें तो 2 lakh रुपीज़ आप इजीली कमा सकते हैं मशरूम की कल्टीवेशन। आप मार्केट में जाते हैं तो आप इसका प्राइस पता कर सकते हैं कि ये कितने रुपए में बिकती है। फ्रेंड्स, इसके छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं वो मार्केट में 200 ग्राम्स के बिकते हैं और उनका प्राइस जो है मिनिमम 25 to 30 रुपीज़ हमेशा होता ही है। आप इस बिज़नेस को कर लाखों रुपए कमा सकते हैं फ्रेंड्स, लाखों रुपए। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये कि आप जितनी बार इसकी अगली बार नेक्स्ट जो आप इसकी क्रॉप लेंगे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी और आपका प्रॉफिट डबल होता जाएगा। तो आप इस बिज़नेस को करिए और लाखों रुपए कमाइए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जाननी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर ज़रूरी सवाल का जवाब दूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है आपके लिए नई से नई और अच्छी वीडियोस लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।